मुरादाबाद के थाना सिवेलान स्थित जैन मंदिर के पास आदिनाथ कलेक्शन द्वारा एक फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में खादी से बने वस्त्रों को मॉडलों ने लोगों के सामने प्रदर्शित किया, जिसमें इंडियन लिबास, कुर्ता पजामा व साड़ी मुख्य रूप से थे। इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल। मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि ये परिधान हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हर नौजवान को खादी से बने परिधान का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि खादी जो है वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। ये भारत में जो गांधी जी, जवाहरलाल, अपने मोदी जी और अन्य लोग जो कॉटन को प्रमोट कर उसके तहत इन्होंने आज ये प्रमोशन के तहत ये भारतीय वस्त्र, मतलब जिसे कहेंगे स्वदेशी कॉटन, आज उसका कार्य शुरू किया है। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। मैं इस नवीन शोरूम के लिए इसके ऑनर जो डिज़ाइनर हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। महानगरी जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी अपनाने से ही आगे घर घर तक इसका जो पहले गांधी जी ने शुरू किया था चरखे के द्वारा, ये आज की तारीख में खादी जो है मॉडर्न चरखे की तरह चलना शुरू हो गया है और लोगों के अंदर इसके प्रति उत्साह भी जागृत हुआ है।